बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम। सलाम सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही है आ रही है, बाद माइक चेक कर। जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। अज नूर दिया फरसाना ने हर पास अज नूर दिया जी, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 को स्टार्ट किया था, और आज उसका छोटा सा एक एरिया रहता है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। सर जी जी सर, ये जो आज चल रहा है एमए की क्लास का, उसका क्या करें? एमए की क्लास का मुझे तो इसका कुछ नहीं पता। मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपकी क्लास नॉर्मल टाइमिंग पे है। सर वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी 5 से 7 रख दी है, उनकी 6 से 9 रख दी है। अब हम लोग वो 6 से 7, अब किसकी क्लास है? और जिसकी छोड़ेंगे वो क्लास गई ना, रिकॉर्डिंग्स टाइमली अपलोड होती हैं। ये बात सर, या तो आप 6 पे वाइंड अप कर दें, या सर को कहें कि वो 6 to 7 to 10 कर लें। देखिए, मैं अगर 6 पे वाइंड अप कर दूंगा तो मेरा, मुझे इन्होंने डेडलाइन दी है कि आपने आवर्स कंप्लीट करने हैं संडे तक। अब मेरे आवर्स पेंडिंग हो जाएंगे, फिर मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा ना। सर फिर वो आप सर अजीम को कह दें कि वो 7 to 10 कर लें क्लास। हमने तो कह के देख लिया, वो सर कह रहे हैं 9 to 11 लॉ की क्लास। सर वो लॉ की क्लास सिर्फ 7 बच्चे लेते हैं। सर स्टूडेंट तो है ना, लेते नहीं है वो अलग। हाँ, वो जो भी है स्टूडेंट तो बारे में है ना, लेकिन सर लेकिन मैंने उनसे मैंने उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे कि आपकी क्लास रूटीन में शुरू होगी, मतलब 7 मे बी पॉसिबल के सर फिर इसको जो सर अजीम है शायद उसको 7 पे शुरू करें, यही पॉसिबल। सर वो सर अजीम से बात ही है, वो भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आप रिकॉर्डिंग ले लो। रिकॉर्डिंग तो पिछली आज तक अपलोड नहीं हुई है, अगली का पता नहीं। किसकी रिकॉर्डिंग ले लें? यानी एफए की रिकॉर्डिंग ले लें? सर वो कहते हैं कि आप एमए की पहले और की क्लास की रिकॉर्डिंग ले लें। सर अगर हम पहला और मिस करते हैं फिर अगले दो और भी कुछ नहीं समझ आना। टॉपिक तो शुरू हो गया होगा और वैसे भी रिकॉर्डिंग तो अपलोड होती नहीं है, फिर कल वाला भी नहीं समझ आएगा, परसों वाला भी नहीं आएगा, एंड सो ऑन। फिर सिलेबस तो क्या सर, मैं भी भाई की बात से एग्री करूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही इशू आता है। जी क्या कह रही है सर? FA 4 to 6 कर लें अगर। क्या बात, 4 to 6 में ये बंदे नहीं मानेंगे जॉब वाले।
सर ऑब्वियसली सर हम काम करते हैं सर, 4 to 6 में बिल्कुल भी मारा नहीं खाता सर। यार दो तीन दिन रह गए हैं, मेरी बात सुने, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं मेरी, आज कल और परसों 3 दिन है, उसके बाद ये क्लास खत्म है, फिर संडे की क्लास है, बस और कुछ नहीं। सर वैसे आपने कहा था कि कोई फिजिक हम 8 पे कोई 7-8 फिजिकल क्लासेस भी रखेंगे, वो नहीं माने अभी फिलहाल उसके ऊपर, वो कहते हैं अभी अब इसको ऐसे ही चलाएं। हमने ये कहा था कि स्टूडेंट हर तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए ना, जरा ये फिजिकल स्टार्ट तो होने देना क्लासेस, अभी वहां पे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। फिजिकल क्लासेस यकीन माने सर रोज जाते हैं हमारे इसी में और सारी क्लासेस खाली पड़ी हैं। फिजिकल क्लास पॉसिबल नहीं, फिजिकल का नहीं है, ये पूछा से स्टूडेंट फिजिकल क्लास दे रहे हैं। बहरहाल ये तो अब इस पे तो अभी चले, जैसे अभी ये 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ा मैनेज कर लें इसको। सर अगर 2-3 दिन रह गए हैं तो ये लोग हमारा ख्याल करके 2-3 दिन एक्स्ट्रा आवर्स कर लें। इन्होंने हमारे मैनेजरियल लेवल 1 में भी ऐसे किया, ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हुई, एक तो 90 आवर्स का सिलेबस उन्होंने पता नहीं 40 आवर्स में कर दिया, 45 आवर्स में। आपको पता है एफसीएम में कैसे सब्जेक्ट है, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जी जी, हम पागल हुए हैं इस वक्त। सही है, नहीं मैं क्योंकि 40 आवर्स मैंने ये 50 आवर्स भी ये कोर्स करवाया था, मुझे याद है मैंने कैसे करवाया था। तो सर ये तो आप भी जानते होंगे कि बच्चों के साथ ज्यादती है, और अब फिर से ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और हालांकि इन्होंने कहा था कि अब इस बार पूरे आवर्स ये वो, अब तो वैसे इनको चाहिए था कि यही ऑनलाइन जो है फिजिकल में कन्वर्ट कर देते, नहीं किए, हम चुप करके बैठे हुए हैं ऑनलाइन ले रहे हैं। फिर अगर ये लोग रिकॉर्डेड का कहें तो वो तो हम वो जो इन्होंने रिकॉर्डेड ऑनलाइन अपलोड किए हैं वो भी ले सकते थे, लेकिन हमें लाइव क्लास लेनी है। सर आपने कहा था हम इसलिए बैठे हुए थे कि आपने कहा था कि साहब मैंने बात की है तो हम एंड पे 7-8 लेक्चर ले देंगे, उन्होंने कहा कि बच्चे हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप भी कर लिया करें, ऑनलाइन रखे ना करें। या तो सर सारे बच्चों को चाहिए कि हम सर इसमें मैं सर इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी, इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। बात ये है कि एक तो फिजिकल क्लासेस में जो ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैवलिंग का टाइम आने जाने का जो वेस्ट करना है बंदे को घंटा जो है ना वन साइड पे लग जाता है। सेकंडली ये है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, वहां पे पॉसिबल के सारे कैप्सेस में यार माइक ठीक कर ले यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपसे बाहर वाले क्या करेंगे। अच्छा एक मिनट, मुझे एक मिनट देना, मैं मुझे एक मिनट आप दें। राव साहब गाड़ी चल रही है, सब क्लास में है कि नहीं?
जी जी क्लास में आवाज आ रही है आपको? क्लास यस सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा ऐसा है कि आज मैं आपको 6 बजे फ्री कर रहा हूँ, ठीक है? क्लास जी जी सर, थैंक यू सर, ठीक है जी जी, 6 बजे मैं फ्री कर रहा हूँ, कल से रूटीन पे आ जाएगी चीजें, ठीक है? ओके सर, अरिगा दो, ठीक है ना? ओके अगर बात नहीं हुई फिर ये फिजिकल्स की, फिजिकल की मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं कि सर ये पहले आवर तो पूरे करें फिर आपको दे देते हैं। असल में ना कुछ इस... नहीं टाइम है, पूरा हो गया क्लासेस यार मेरे पास, मेरे पास मैं तो आपके पास हूँ ना, तो हूँ, ठीक है? सर ऑनलाइन पे आप वो करवाएंगे यानी कि रिवीजन के लिए कुछ क्लासेस अरेंज करवाएंगे? नहीं, ये मेरे पास गूगल ड्राइव का ऑप्शन है ना, वो मेरे पास जो मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ ना, वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी अभी अपना जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो मैंने बनानी है अपनी सारी चीजों की, और जो चीजें आपको डिफिकल्टी, मैं आपको ना हर चीज का ऑप्शन दे के जाऊंगा। मिसाल ये है कि मैं कोई हाई फाई कमिटमेंट नहीं आपसे करके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें सारी दे जाऊंगा, ठीक है? आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, हर चीज़ का सलूशन दे के जाऊंगा, ठीक है? तो मीन टाइम अगर हुआ ये क्लासेस फिजिकल स्टार्ट होने दें, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन ना आई थिंक प्लान हुआ हुआ है, फिजिकल होगा वो जो भी होगा, वो जब फिजिकल क्लासेस एक्टिविटी क्लास वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर हम कोई ना कोई इनसे बात करके ना एक दो सेशन रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो इस बात पे नहीं एग्री कर रहे हैं कि अभी वो कह रहे हैं कमिटमेंट ना करें, क्योंकि कमिटमेंट होती है ना तो फिर वो फिर बात फिर खराब होती है कि बाद में आपने टाइम भी बिल्कुल थोड़ा ही रह गया, अगस्त में तो टेंट है हमारी, अगस्त में तो पेपर देने हैं यार। अभी आज तो पेपर हुआ है, यही कल तो मेरे ख्याल से पेपर हुआ है अभी इस अटेम्प्ट का, तो 2 महीने का तो गैप होता ही है ना अटेम्प्ट के अंदर मिनिमम। सर अगस्त में अटेम्प्ट आएगी ना, अगस्त में अटेम्प्ट, हां तो अगस्त के एनी डेज में अटेम्प्ट आएगी ना, तो तकरीबन 2 महीने का गैप तो आपके पास है ना, 2 महीने तो बहुत होते हैं यार, 15 दिन के, ईद भी आ जानी है बीच में ना, बकरा ईद भी आ जानी है, कितने दिन इतनी छुट्टी, दो दिन छुट्टी की होती है, 3 दिन ईद की छुट्टी होगी सर, 5 दिन जानवरों को हमने जो सारे करना होता है, मेरी बात सुन लेना, 60 दिन में से 3 दिन 57 दिन निकाल ले, ठीक है? फिर तुमने कह रहा है 14 अगस्त भी निकाल दें, फिर संडे भी निकाल दें, फिर फ्राइडे की जुम्मे की नमाज भी निकाल दें, फिर रातों की नींद भी निकाल दें, तो तुम्हें 4 दिन रिमेनिंग रह देने, ठीक है? हफ्ता 10 दिन बकरा खाना भी तो है, बकरा खाना भी तो है, वो उसके बाद नींद आएगी खाने के बाद। अच्छा मेरी बात सुन, 1 घंटे की क्लास में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो वो कोई ना, मैं आपको ना मेरा सिलेबस कम्प्लीट है, एक टॉपिक वो छोटा सा, बल्कि वो गिनती में भी नहीं है किसी टॉपिक के अंदर, IFRS ये जो ग्रुप अकाउंट्स का, लेकिन मैंने आपको डिटेल करवाना है, इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस अभी रहती हैं मैं करवा दूंगा, ठीक है? आज का मैंने कुछ मिसलेनियस इश्यूज से वो मैंने कराने, ठीक है? आज के वैसे भी 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में ग्रुप अकाउंट शुरू होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? हाँ जी, तो वो डोंट वरी के यूट्यूब चैनल मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसा चैनल है भी नहीं है। देखिए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर जो भी मटीरियल पड़ा हुआ है ना वो बड़ा स्कैटर्ड है, ठीक है? तो मैं आपको जो चीजें, अब तो मैंने कोई टॉपिक छुड़वाया नहीं है, जो टॉपिक मैंने छुड़वाया है ना, उस ये छुड़वाया से मुराद है कि जो टॉपिक मैंने कहा पढ़ ले, मैंने उसके अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं प्रॉपर, और वो बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर आप वो लेक्चर वॉच करेंगे कि किसी किस बंदे ने मेरे वो IFRS 15 के लेक्चर वॉच किए हैं तीनों, एनी स्टूडेंट हैज वॉच्ड? जी किसी ने वॉच नहीं किया अभी? जी सर, IFRS 15 के रेवेन्यू के किसने वॉच किए मेरे लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए? रेज योर हैंड्स, चेक करता हूं। ओके, खुजैमा ने किए हैं, रिता ने किए हैं, ठीक है? बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर मैंने ये चीज उसको एक्सप्लेन किया, आप भी जाके उसको वॉच करें, वो गूगल ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं शेयर फोल्डर में, ठीक है? सर सर, जो आपने करवाया वो तो सारा ठीक है, मतलब कि उसकी तो रिवीजन की भी खास जरूरत है, जो कुछ चीजें हैं जैसे पास पेपर्स में है, कुछ कैश फ्लोस में मसले हैं, कुछ बोर्डिंग कॉस्ट के जो क्वेश्चंस करते हैं, मसले तो हर वक्त रहने हैं, मसले तो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन ये कि इसका हमने मिनिमम चीज कर ली है, अब उसकी प्रैक्टिस है। और अभी आप पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस है ना, पहले आप MCQs कंप्लीट करें, जितने भी MCQs मैंने करवाए हैं आपके MCQs बैंक के अंदर,
जितने भी एमसीक्यूज है ना पहले वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब आपका जो पैटर्न है ना वो पास पेपर्स वाला पैटर्न नहीं है, अब आपका पैटर्न है एमसीक्यूज वाला। तो पहले आप ना एमसीक्यूज किट कंप्लीट करें जो मैंने आपको दिया। मैं आपको ना एक और किट भी थोड़े दिनों में भेज दूंगा, ठीक है, वो बीपीबी की किट है, वो भी मेरे पास है, उसके अंदर भी तकरीबन 350-400 एमसीक्यूज है। आप बताएं 300-1000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके पास आ जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक दो वेबसाइट है जो मैं आपको ना उसके लिंक भेजूंगा, और उसमें मसला ये है कि उन्होंने ना वहां से एमसीक्यूज रिमूव कर दिए हैं और उन्होंने उसको पेड में डाल दिया है, लेकिन पहले वो फ्री था लेकिन अब वो पेड हो गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर वो मैं देखता हूँ कि कोई और वेबसाइट मुझे मिलती है, पायरेटेड कहीं से मिल जाए अगर आपको उसका ऐसा, पायरेटेड नहीं ना मिलती है चीजें, इस तरह की चीजें पेड ही होती हैं, ठीक है ना ये। लेकिन मैं आपको जो तीन मैंने आपको किट्स दी है ना, एक एमसीक्यू बैंक में दो किट्स हैं, उसके अलावा मैं एक किट आपको और देके जाऊंगा उसमें सोल्यूशन भी है, ठीक है। वो ये तमाम चीजें आप कर ले, ठीक है, और मैं फिर ये और फिर ना 10-15 दिन का गैप करें, क्लासेस को स्टार्ट होने दें, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक दो फिजिकल सेशन कर लेते हैं, लेकिन वो भी क्लासेस को स्टार्ट होने के बाद इंशाल्लाह। सर कुछ पढ़ लें अब हम? हाँ जी बिल्कुल पढ़े, मैं तो बिल्कुल पढ़ाने के लिए। सर सॉरी बस एक लास्ट रिमाइंडर था कि हमारी लेसर की अकाउंटिंग अभी रहती है सॉरी, मैंने वही अभी आज करवानी है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैंने 100 टॉपिक करवाए ना और उसमें से 0.1% नहीं करवाया तो वो आप 0.1% को देख रहे हैं सिर्फ, लेसर की अकाउंटिंग कहीं लिखी भी नहीं हुई है आपके अंदर, ठीक है, और ना आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। वो एमसीक्यूज में इसलिए है कि वो एमसीक्यू आपकी बॉडी के नहीं है, वो एमसीक्यू सीए की बॉडी के, ठीक है। और ये जो दूसरी किट है ना वो भी एसीसीए की है, उनके अंदर लेसर की अकाउंटिंग उन्होंने बाद पूछी हुई है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल मैं लेसर अकाउंटिंग वो करवा देता हूँ, चले पहले वही कर लेते हैं जी, लेसर की अकाउंटिंग कर लेते हैं। सही, हमारा IFRS 9 कंप्लीट हो गया है। IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की डेफिनेशन और इसकी रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया थे वो हमने पढ़ने थे। अब दो चीजें हैं, हाँ अभी रिकॉग्निशन जो है ना वो हमने पढ़नी है कि इसको किस तरीके से मेजर करना है, ठीक है। एक टॉपिक तो वो है या एक लेसर अकाउंटिंग है, दोनों में से कोई एक टॉपिक आज हो सकता है उसमें से वो भी कर लेते हैं। यही कर लेते हैं ये जो आप कह रहे हैं रिकॉग्निशन वाला, क्योंकि हमारा कंटिन्यू आपके मिनिस्टर रिवीजन भी किया है। लजे ठीक है जी बस कर लेते हैं, अब एक टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेना जो चल रहा है। अगर हम केसर चेंज करेंगे हमारी तो फिर हम तो हो जाएंगे। ओके जी, IFRS 9 के अंदर अब फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिफाइन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इशू होता है वो होता है इसकी जो मेजरमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो मेजरमेंट हम पहले डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब हमने फाइनेंशियल एसेट को डिफाइन कर लिया, अब फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट की बात करते हैं, जब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना यह है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या किसी कंपनी के शेयर्स हैं या किसी कंपनी का बॉन्ड्स हैं, यानी या वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, या वो किसी कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो पहले हमने ये डिसाइड करना है कि वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कौन सा। ठीक है, अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है वो किसी फर्म का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है यानी किसी कंपनी के शेयर हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है उसको मेजर करने के बुक्स के अंदर, ठीक है, दो ऑप्शन है मेजर करने के। इसके अंदर
एक को हम कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो पहले तो ये समझे ना कि हमारे पास एक, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी पे डिसाइड होगा कि हमने कौन सी सिलेक्शन करनी है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने उसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग टू रियलाइज शॉर्ट टर्म गेन्स, अगर हमने हमारा मकसद उसको होल्ड करने का ये है कि हमने उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ, जैसे लोग शेयर परचेज करते हैं और उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पास रखते हैं और जब उसकी अच्छी प्राइस मार्केट में मिलती है तो उसको सेल कर देते हैं। अगर आपकी, अगर कंपनी की इंटेंशन किसी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रखने की ये वाली इंटेंशन है तो फिर वो ये कैटेगरी पे उसको मेजर करेगा। और इस कैटेगरी में क्या होता है कि क्रिप्टो भी शामिल हो सकता है इसमें, फेयर जो इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो, हाँ जी क्रिप्टो करेंसी जो है वो करेंसी तो नहीं है ना, वो किसी इक्विटी कंपनी की इक्विटी तो नहीं है ना, वो तो एक करेंसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और वो एक तरह से ना स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो अभी ये नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जरा इसको मुझे कंप्लीट करने दें, इसमें चीजें बहुत सारी आएंगी और ये टॉपिक आपका ना, टॉपिक आपका ये स्ट्रेटेजिक लेवल का है, इसके अंदर आपने डेरिवेटिव्स को भी पढ़ना है और बहुत सारी चीजों को और ही पढ़ना है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट भिजवाया था लास्ट क्लास में, मैंने बिल्कुल एंड पे करवाया था, वो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट में से कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, कौन सा फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी डिफाइन हो जाता है तो उसको किस तरीके से आपने मेजर करना है या किस मेथड के तहत आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए बस ब्रॉड। अब इसकी फर्दर डिटेल कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी अकाउंटिंग डिटेल, उसकी उसके 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 डिस्क्लोजर्स कैसे बनने हैं, इसकी सब्सिक्वेंटली अगर कोई आप इसको सेल करते हैं या इसमें इसकी वैल्यू में कोई लॉस हो जाता है, ये एडवांस इश्यूज हैं, ये आप जाके स्ट्रेटेजिक लेवल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम देख रहे हैं कि अगर आपकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव होल्ड करने का ट्रेडिंग है तो आप जिस कैटेगरी पे इसको होल्ड करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें करते अब ये है कि अब आपने करना क्या करना के, आप क्या करते हैं कि जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेस एट ईच रिपोर्टिंग डेट, ईच रिपोर्टिंग डेट इज रिकॉग्नाइज्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप क्या करेंगे, इसकी फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे और फेयर वैल्यू कंप्यूट करके जो भी फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेस होंगे वो आप प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे, ठीक है। ये इस कैटेगरी में करते हैं और ये इसको हम ना डिफॉल्ट कैटेगरी भी कहते हैं, यानी जब आपने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किया तो बाय डिफॉल्ट, और आपको नहीं बताया कि उसको किस कैटेगरी में रिपोर्ट करना है, तो इस कैटेगरी में आप इसको रिपोर्ट करते हैं। ये है जी पहली इंटेंशन टू फॉर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं और आपकी इंटेंशन ये है कि उसको ट्रेडिंग पर्पज के लिए आपने होल्ड करना है शॉर्ट टर्म गेन या लॉसेज रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो आप ये वाली कैटेगरी मेजरमेंट की यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी, अगर आपकी इंटेंशन इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड करना है, ठीक है, या आपने उसको होल्ड किसी अदर देन कोई पर्पस है, यानी आपने उसको होल्ड करना है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या इंटेंशन टू होल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिस तरीके से आप उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड रखते हैं, ठीक है, आपका मकसद शॉर्ट टर्म गेन लॉसेस नहीं है, फिर अगर उसमें जो गेन्स और लॉसेस आते हैं
gains and losses are recognized in OCI at each reporting date. फिर जो other comprehensive income section होता है profit and loss statement का, यानी जो आपकी normal statement of profit and loss and other comprehensive income में, जो other comprehensive income का portion है जहाँ पे हम surplus on revaluation को भी report करते हैं, उसी section के अंदर फिर आपने gains and losses को report करना है. Normal profit and loss जो हमारा है उसके अंदर इसके gain losses को नहीं report करना. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो दिस विल बी इररिवोकेबल सिलेक्शन. इररिवोकेबल सिलेक्शन यानी अगर आपने एक दफा किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई कर दिया है तो अब आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी आपको इसको इसी में चलाना पड़ेगा. ठीक है, और जब आप इसको सेल करेंगे, जब ये इन्वेस्टमेंट सेल होगी तो जो गेन अनरियलाइज या लॉसेस अनरियलाइज पड़े हुए हैं उधर ओसीआई में, तो वो सारे के सारे फिर आप क्या ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे. तो अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो आपने उसको मेजर करने के लिए पहले ये देखना है कि आपकी इंटेंशन क्या है, और उसी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली फिर आपने मेथड को सिलेक्ट करना है. अगर आपका इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है तो यहां आपके पास तीन ऑप्शन है उसको रिपोर्ट करने के. यू हैव थ्री ऑप्शन टू रिपोर्ट द डेट इंस्ट्रूमेंट. सर, जब ये ओसीआई वाली सेल होगी तब इसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा? जी जी, जिस तरह वो हमारा उधर भी करते थे ना हम लोग, क्या कहते हैं उसमें, प्रॉफिट आईएस 16 में भी, कि जब वो एसेट हम सेल करते थे, डीरेकग्नाइज करते थे, तो उसका जो प्रॉफिट या जो होता था ना, जो भी उसके बाद जो भी सरप्लस का बैलेंस होता था वो हम ट्रांसफर कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी रिटेन अर्निंग में. अच्छा सर, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जो अपना प्रॉफिट होता है उसको अनरियलाइज रख लेते हैं, लॉस को नहीं रखते, तो यहाँ पे हम लॉस को क्यों अनरियलाइज रख रहे हैं ओसीआई में? देखिए, गेन्स एंड लॉसेस, देखिए आपका जो मकसद है ना वो बिल्कुल सही बात है कि आपका मकसद ये है कि उसको रख रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है ना उसको होल्ड रखने की है, सेल करने की नहीं है. ठीक है, उसकी इंटेंशन टू होल्ड रखने की है. ठीक है, आपने अभी वो सेल तो नहीं ना करना, आपका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है सेल, और हो सकता है कि ये कुछ दिनों में जब आप इसको होल्ड रखेंगे ना, जब आप दर्जी बंद क्या हूँ, कौन से है यार, ये कौन बंदा है, मौत पर थे ये मुल्तान हुआ, तो कोई मुल्तानी है भाई, है मुल्तानी सराइकी भाई लग रहा. बिल्कुल सही है, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट मुताबिक आप करते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन इसको होल्ड करने की है. ठीक है, योर इंटेंशन, और इन मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो एक दफा के अप और डाउन की वजह से आप उसको वॉच करते रहते हैं. एक दफा का डाउन मे बी पॉसिबल अगली दफा के अप में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, और अगर ये मुसलसल लॉस दे रही है तो आप फिर उसको सेल करके उस लॉस को रियलाइज करके इन्वेस्टमेंट ही क्लोज कर देते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इंटेंशन होती है ना होल्ड करने की, वो कुछ और होती है. नॉर्मली आप इस इन्वेस्टमेंट को जब होल्ड करते हैं ना, तो आपकी कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है होल्ड करने का, इसीलिए आप उसके गेन्स एंड लॉसेस को ओसीआई में ही रखते हैं. सर, ये ओसीआई से पीएनएल में कब ट्रांसफर होते हैं? जब सेल हो जाएगी. तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम इस पे गेन और लॉस कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब सेल करेंगे ना, आपने शेयर परचेज किए हैं तो आप उसको सेल भी तो करोगे ना. ठीक है सर, लेकिन ये तो गेन और लॉसेस एट द टाइम ऑफ सेल हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो फिर ये ओसीआई में क्यों जाएंगे, तो डायरेक्ट पीएनएल में क्यों नहीं जाते? इसलिए कि इसका आपकी इंटेंशन उसको होल्ड करने की है, सेल करने की नहीं है. आप देखें ना, इंटेंशन वो होल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है सर, जब तक हम इसको होल्ड करते हैं तो उस पे कोई गेन या लॉस आ सकता है? हाँ जी, आता है यार. देखो ना, आपने एक शेयर 5 साल के लिए होल्ड रखना है, आपकी इंटेंशन है जी मैं इसको 5 साल के लिए होल्ड रखूंगा, तो हर साल तो उसकी वैल्यू में प्लस माइनस आएगा ना. आपने 100 रुपए का परचेज किया था, साल के एंड पे वो 105 रुपए का हो गया, तो 5 रुपए गेन तो आ गया ना. ठीक है, तो उस फेयर वैल्यू को आप रिफ्लेक्ट तो करोगे ना अपनी बुक्स के अंदर. ठीक है जी. अच्छा, अब डेट इंस्ट्रूमेंट होगा
तो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन क्लासिफिकेशन है. नंबर वन इज एमोर्टाइज कॉस्ट. नंबर टू इज यही वाली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. और नंबर थ्री इज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. जी, जब आपकी इंटेंशन, यहां पे भी इंटेंशन का इश्यू है कि जब आपकी इंटेंशन, यहां पे इंटेंशन होती है हेल्ड टिल मैच्योरिटी. किसी डेट इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी तक अगर आपने उसको होल्ड करना है, यानी आपके आपके लिए दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं. देयर आर टू कंडीशंस मेट. वो क्या है? नंबर वन, इसको हम कहते हैं बिजनेस बिजनेस मॉडल टेस्ट. ये टेस्ट क्या है? होल्ड टिल मैच्योरिटी. जो आपका बिजनेस मॉडल है वो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करने की उसकी डिसीजन है. और नंबर टू है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्शन. जो उस डेट इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपने कलेक्ट करने हैं थ्रू आउट उसकी लाइफ के. अगर आपके ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो आप उस उस फाइनेंशियल एसेट को एमोर्टाइज कॉस्ट पे रिपोर्ट करेंगे. जिस तरीके से हमने लीज ऑब्लिगेशन को एमोर्टाइज कॉस्ट पे रिपोर्ट किया था ना, उसकी वे लायबिलिटी थी, लेकिन वो लेसर के लिए एक फाइनेंशियल एसेट है, और वो ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है भाई, देखिए ना, अगर हम लेसर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो एक चीज जो लेसी ने पे करनी है, तो लेसर ने तो रिसीव करनी है ना, तो लेसर के लिए वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपने होल्ड रखनी है टिल मैच्योरिटी. ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूं. इसलिए के लिए इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज किए हैं, और बॉन्ड की जो टर्म है वो 5 साल की है. तो आपने डिसाइड ये किया है कि ये पूरे 5 साल में बॉन्ड को होल्ड रखूंगा. ठीक है, और जो भी इसकी 5 साल के अंदर जो इसकी लाइफ में उसके जो कैश फ्लोज हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, मैं कलेक्ट करूंगा. अगर ये इंटेंशन है, तो आप उसको फिर एमोर्टाइज कॉस्ट पे रिपोर्ट करेंगे. और एमोर्टाइज कॉस्ट से मुराद वही टेबल है जो हम लीज के अंदर बनाते हैं, सेम वही टेबल आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए. और अगर ये आपकी इंटेंशन नहीं है कि आपने उसको होल्ड मैच्योरिटी तक नहीं रखना, यानी ये वाला है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और ये है होल्ड फॉर सम टाइम बट सेल बिफोर मैच्योरिटी. सॉरी, ये उल्टा मैं लिख गया हूं, ये इधर आएगा, होल्ड फॉर सर्टेन बिफोर मैच्योरिटी, और ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इधर आएगा. अगर आपने किसी फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, यानी आपने बॉन्ड परचेज किए हैं, और आपका मकसद ये है कि थोड़े दिनों में जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो हम इसको सेल कर देंगे, तो वो फिर उस कैटेगरी को आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेंगे. तो ये एक फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरीज हैं जिसमें हम उसको रिपोर्ट करते हैं. अच्छा, इसमें भी जी, इसमें कोई और चीज कंफ्यूज कर रही है आपको? एनी क्वेश्चन? नो सर. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एसेट्स की
क्लासिफिकेशन है, और आप इसमें थोड़ी सी बुक्स वगैरह देखेंगे तो उन्होंने इसका फ्लो चार्ट जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, लेकिन बहरहाल एट दिस लेवल आपके लिए ये इनफ है कि आप ये वाली क्लासिफिकेशन को बस स्टडी कर लें, ठीक है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ दो ही है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ दो ही है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मेजरमेंट, यानी अगर आपकी वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, यानी आपने बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं, यू आर द इश्यूअर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, तो उसकी जो डिफॉल्ट कैटेगरी, क्योंकि आप जब कोई बॉन्ड इश्यू करते हैं तो आपकी इंटेंशन ये होती है कि आपने मैच्योरिटी तक इसको लेके चलना है, और मैच्योरिटी के बाद जाके आपने उसको फिर रिडीम करना होता है। तो डिफॉल्ट कैटेगरी होती है एमोर्टाइज कॉस्ट, और अगर आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप इस बॉन्ड को जो आपने इशू किया हुआ है, जो आपके पास फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आप किसी और लायबिलिटी से ड्यूरिंग द पीरियड उसको एक्सचेंज करवा लेंगे, या आप उससे कहीं सेटल कर देंगे, इसमें थोड़ी सी ज्यादा